गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं माइक्रोब्स एज बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये आपका है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से ही एक टॉपिक है कि माइक्रोब्स जो हैं वो कैसे उनको हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, कैसे जो है वो एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ये समझना है कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम पेस्ट को मारने के लिए उपयोग करते हैं अपने प्लांट्स में, अपनी फसलों को पेस्ट से बचाने के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब पेस्ट क्या है? पेस्ट आपका क्या है, यानी कि कौन सा पैथोजन है, वो अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं पेस्टिसाइड। जैसे हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स क्या होंगे? हर्बिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होंगे जो अगेंस्ट हर्ब के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि जैसे आपने खेत में फसल लगाई है, ठीक है, आपने एक मेन कोई क्रॉप लगाई है, लेकिन उस क्रॉप के साथ साथ कोई अगर छोटे और हर्ब्स या छोटे छोटे पौधे और उग जाते हैं जो कि हमारे काम के नहीं है, तो किसान क्या चाहेगा कि उन प्लांट्स को हम हटा दें। तो उसको स्प्रे करने के लिए आप केमिकल यूज़ करते हो ना, तो उसको हम हर्बिसाइड बोलेंगे, क्योंकि वो हर्ब्स को मारने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हर्बिसाइड्स। वैसे ही अगर कोई आपके खेत में फंगस उग गई है, अनवांटेड कोई फंगस है जिसका हमारे खेत में कोई उपयोग नहीं है और वो हमारी मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस फंगस को मारने के लिए जो केमिकल स्प्रे करेंगे उसको हम फंजीसाइड्स कहेंगे। वैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियासाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए करते हैं तो इंसेक्टीसाइड्स, छोटे छोटे आपके निमेटोड्स होते हैं तो निमेटेटिसाइड्स। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये किसके एग्जाम्पल है? दीज आर पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या हो गए? पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल हो गए जो क्या करते हैं, जो पेस्ट को इरेडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। पेस्ट क्या क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया, हर्ब हो सकती है, आपके बैक्टीरिया हो सकता है, आपके फंजाई हो सकती है, तो ये सब क्या है, पेस्टिसाइड है। अब क्या है कि पेस्टिसाइड जो है, एक पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें कि कौन से पेस्टिसाइड जो है वो एक आइडियल है, मतलब एक सही पेस्टिसाइड क्या होगा, एक तो होगा कि वो शुड बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में इजीली मिल जाए और नॉट बी कॉस्टली, ना ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, कॉस्टली भी ना हो, और ऐसा हो कि सिर्फ वो आपकी टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही मारे और बाकी फसल को या कोई और ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुँचाए, और ना ही वो नॉन परसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब सॉरी, इट शुड बी नॉन परसिस्टेंट। वो कैसा होना चाहिए? नॉन परसिस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने स्प्रे किया तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारी पूरी फूड चेन में ही चलता रहे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो कभी हमारे फूड में एंटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के भी पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, और ना ही वो टॉक्सिक होना चाहिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो ईजिली क्या हो जाए, जो गल जाए। ठीक है, इस तरह के पेस्टिसाइड होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो केमिकल में पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं उसमें ये सारे गुण नहीं हैं, जो भी हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना आइडियल पेस्टिसाइड्स के करेक्टर्स, वो सारे नहीं होते हैं। जितने भी हम केमिकल स्प्रे यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, हार्मफुल है, और आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है, हमारे जो एनवायरनमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको इम्बैलेंस करती है। तो ये सारे जो, और कुछ केमिकल्स तो ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि दे कैन कॉज कैंसर, वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वो क्या है कि उस पेस्ट को तो मारेंगे लेकिन साथ ही साथ जो और यूज़फुल इंसेक्ट हैं, यूज़फुल प्लांट्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, हमारी फूड चेन में भी एंटर होते हैं, हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां जो है वो कॉज करते हैं, डिजीजेस। तो इस तरह के केमिकल्स हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स। अब क्या है, अब साइंटिस्ट ने एक नया तरीका ढूंढा है कि हमें जो है ऐसे केमिकल यूज़ नहीं करने हैं, हमें कुछ इस तरह के हमें मेजर ढूंढने हैं जो क्या करें कि हमारे नुकसान को, जो हमारी जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं पेस्ट, उनको भी वो ख़त्म करें, लेकिन साथ ही साथ आपकी मेन क्रॉप को भी वो कोई नुकसान ना पहुंचाए और ना ही वो हमारी फूड चेन में एंटर हो। ठीक है, तो इस तरह के जो तरीके हैं, तो उसको किस वे में ढूंढा गया, वो दीज आर कॉल्ड बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, वो क्या है, बायो पेस्टिसाइड, बायो मीन्स लिविंग। बायो पेस्टिसाइड्स क्या है कि इस तरह के पेस्टिसाइड्स हैं जो क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट भी इनको हम कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। ठीक है,
अब ये क्या है, अब आपके बायो पेस्टिसाइड भी टू टाइप के होते हैं, बायो हर्बिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड। बायो हर्बिसाइड क्या होगा, जो आपकी हर्ब्स को या वीड्स को, वीड्स क्या होती है, अनवांटेड प्लांट, यानी कि जो आपके खेत में मेन फसल के अलावा जो प्लांट्स उग जाते हैं, जो हमारे लिए क्या है, अनवांटेड है, मतलब हमें नहीं चाहिए वो प्लांट्स, तो वो क्या है, दीज आर कॉल्ड वीड्स, उसको हम वीड्स बोलते हैं या उसको हम हर्ब्स बोल सकते हैं। तो उनको मारने के लिए जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसको हम हर्बिसाइड या वीडिसाइड बोलते हैं। तो हम यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बायो हर्बिसाइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर केमिकल ना यूज़ करके हमने कोई बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ करना है, ऐसा कोई लिविंग एजेंट यूज़ करना है जो उस वीड को, उस हर्ब को ख़त्म करे। तो बायो हर्बिसाइड्स क्या हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड एज रेडिकेंट्स ऑफ वीड्स, ठीक है। दे आर, अब देखो हर्बिसाइड्स क्या हुए, हर्बिसाइड तो केमिकल हो गए, जो भी हमने पहले भी पढ़े थे, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जैसे 2,4-D है, 2,4-5-T है, ये सारे MCP हैं, दीज आर ऑल केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स हैं। और दीज केमिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आसानी से वीड को हटा भी देते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया कि कैसे नुकसान पहुंचाते हैं आपके आपकी जो मेन क्रॉप है उसको भी ये डैमेज करते हैं, ठीक है, उसको भी डैमेज करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन में भी एंटर हो जाते हैं, फूड चेन में भी एंटर होते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं। तो ये जो है आपके, ये क्या है, ये हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड्स हैं, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब साइंटिस्ट ने क्या ढूंढे हैं, बायो हर्बिसाइड। अब बायो हर्बिसाइड समझेंगे आप, मेन चीज़ क्या है बायो हर्बिसाइड, जो आपको मेन चीज़ करनी है कि बायो हर्बिसाइड में कैसे हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इफेक्टिव बायो हर्बिसाइड वॉज माइको हर्बिसाइड। ये क्या था, एक माइको हर्बिसाइड जो कि क्या था, एक फंगस था विच डिस्ट्रॉय वीड्स, डेवलप इन 1981। यहाँ पर क्या है कि 1981 में एक फंगस जो है उसको, एक फंगस है उसको यूज़ किया गया एज अ हर्बिसाइड, ठीक है, एज अ बायो हर्बिसाइड उसको यूज़ किया गया। और उस वो फंगस क्या करती थी, वो फंगस जो है, जो अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड जो वीड्स हैं खेत में, उसको ये मारने का काम करती है। इसके अलावा हर्बिसाइड एक और है आपका फाइटोपथोरा पाल्मिवोरा, ये भी क्या करती है, ये भी एक अनवांटेड प्लांट है, मिल्क वीड उसको बोलते हैं। तो उसको जो है आपके जो ऑरेंजी संतरे वगैरह के जो बगीचे होते हैं वहां पर मिल्क वीड को हटाने के लिए यूज की जाती है फाइटोपथोरा पाल्मिवोरा। ये भी क्या है, ये फाइटोपथोरा, ये क्या है, फंगस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर क्या है, किसी लिविंग एजेंट की हेल्प से ही हम अनवांटेड प्लांट को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका, बायो हर्बिसाइड। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर दिया है कि एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ कैक्टा इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज चेक्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स नेचुरल हर्बिवोर्स कॉकिनियल इंसेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो कैक्टस है, कैक्टस पता है आपको, एक जीरोफिटिक प्लांट होता है, तो कैक्टस जो है इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ जो है उसको रोकने के लिए, एक हर्बीवोर्स इंसेक्ट, एक ऐसा इंसेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो क्या करता है उस प्लांट को जो है, कैक्टस को खाने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कैक्टस को किसी केमिकल स्प्रे से नहीं मार रहे हैं, हम उसको एक बायोलॉजिकल एजेंट की हेल्प से मार रहे हैं, वो क्या है आपका, क्या हुआ, बायो हर्बिसाइड हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, कॉकनील इंसेक्ट जो है वो बायो हर्बिसाइड हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका ये हाइपरकम जो है, इस वीड्स को भी जो है USA में रोका गया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ये आपका क्राइसोलिना बीटल। बीटल क्या होते हैं, जैसे आपके टिड्डियां होती हैं उस तरह का एक इंसेक्ट है, मतलब बीटल को इंट्रोड्यूस किया गया खेत में। तो ये इस बीटल ने क्या कर दिया, उस जो आपका वीड है अनवांटेड प्लांट उसको खाने का इसने काम किया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर हम क्या है, अनवांटेड हर्ब्स या अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज़ ना कर कर, यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ ना कर कर हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल, या हम बोलेंगे कि बायो हर्बिसाइड का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या, हमें क्या समझ आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमने कहा कि हम यहाँ पर बीटल यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर फंगस यूज़ कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर क्या है, माइक्रोब्स। तो ये माइक्रोब्स हैं जिसको हम एज अ बायो हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके। फिर आपका एक और एग्जाम्पल अगर आप देखते हो नॉर्मली, जैसे आपकी
सर्टन क्रॉप्स होती हैं उनको हम स्मूदर क्रॉप बोलते हैं, कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं, कुछ फसलें वो क्या करती हैं, वो डू नॉट अलाउ द वीड्स टू ग्रो नियर बाय, वो अपने आसपास जो है अनवांटेड प्लांट्स को, वीड्स को उगने ही नहीं देती हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे सोयाबीन है, सनफ्लावर है, स्वीट क्लोवर है, ये सारे जो है स्मूदर क्रॉप है। क्यों? क्योंकि दीज क्रॉप्स जो हैविंग सीड्स विद गुड जर्मिनेटिंग रेट गिव अ विगरस ग्रोथ फर्स्ट एंड कम्पीट विद वीड्स। मतलब क्या होता है कि ये क्रॉप इतनी फास्ट जो है वो ग्रो करती है, इतना सीड जो इनका इतनी जल्दी जर्मिनेट करता है कि वो क्या करते हैं बाकी अनवांटेड प्लांट्स को उगने ही नहीं देते हैं। जितना भी सॉयल के अंदर नरिशमेंट है वो सारा खुद ही ले लेंगे, बाकी वीड्स को उगने का मौका ही नहीं देते हैं। तो इस तरह की प्लांट्स को हम स्मूदर क्रॉप बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम अपनी मेन क्रॉप के साथ साथ कुछ इस तरह की फसलें भी लगा देते हैं, छोटी थोड़ी हम दालें भी लगा देते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि दालें तो हमारे लिए फायदेमंद होंगी सोयाबीन, लेकिन बाकी वो अनवांटेड प्लांट्स को नहीं उगने देगा। तो ये भी एक तरीका है, ये भी क्या हुआ आपका बायो हर्बिसाइड का ही एक एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड क्या है? अब यहाँ पर हमने इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है, ये भी आपका पेस्ट मैनेजमेंट का ही तरीका होता है। और ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना आपके ये मेथड जो हैं जिसमें हम बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, ये सब क्या है, दीज मेथड्स आर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। और ये सारा पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने एग्रीकल्चर को भी उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ में हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो है पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं नॉन टॉक्सिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, गुड क्वालिटी के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सारा पेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अब देखो बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड में क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड में हम किसी लिविंग एजेंट को यूज करेंगे किसके लिए, टू किल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ठीक है, ऐसे इंसेक्ट जो क्या कर रहे हैं हमारी मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायो इंसेक्टिसाइड में आपका आता है जैसे एक है आपका बैक्यूलो वायरस। तो बैक्यूलो वायरस जो है इस तरह के वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट को ये क्या करते हैं किल करते हैं, स्पेसिफिक इंसेक्ट को, ठीक है। और इन बैक्यूलो वायरस जो है ये आपके रॉड शेप वायरसेस होते हैं और टू जेनरा से बिलोंग करते हैं, एक है आपका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रा NPV, एक है आपका ग्रेन्यूलो वायरसेस GV, ठीक है। और दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कंपोज ऑफ सर्कुलर स्ट्रैंडेड DNA, छोटे छोटे बहुत स्मॉल होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत स्मॉल है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। तो इनको हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या है कि आपका जो मेजोरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस जो हम यूज़ करते हैं एज बायोलॉजिकल कंट्रोल में वो है आपका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रा वायरस, ठीक है। इन दो जेनरा में हम कौन सा जनरली यूज़ करते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रा वायरस। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो है ये वाला वायरस जो है ये जैसे आपके इंसेक्ट्स हो गए, एंट्स, वेस्प, नेट्स और ये बीटल्स, इन सबको मारने का ये काम करता है ये वायरस, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैसे करेगा ये कि अगर हम ये वायरसेस जो हैं इसके वायरसेस वायरस पार्टिकल्स जो हैं इसको हम अपनी क्रॉप की लीव्स पे हम स्प्रे कर दें, ठीक है, जैसे हम स्प्रे करते हैं ना उसी तरह से अगर हम इन वायरसेस को हम स्प्रे कर दें तो ये क्या करेगा, जो भी इंसेक्ट आएगा, जो भी होस्ट आएंगे, ठीक है, होस्ट कौन से हैं यहाँ पर, ये होस्ट जो हैं जो फसल को खाने के लिए आ रहे हैं, होस्ट ईट द पॉलीहेड्रा और ग्रैन्यूल विच गेट गेट डिजॉल्व इन द बेसिक डाइजेस्टिव जूस, इन्फेक्टेड इंसेक्ट बिकम डेड एंड गेट डिजॉल्व एंड लीव सरफेस रिलीजिंग मोर वायरसेस। क्या होगा कि जैसे इंसेक्ट आएंगे और वो फसल को खाने लगेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, क्योंकि उस पर क्या स्प्रे किया है हमने, ये वायरसेस स्प्रे किए हैं, तो ये वायरस उनके अंदर चले जाएंगे, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्या कर देते हैं, इम्पेयर कर देते हैं, मतलब उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो डिफेक्ट कर देंगे और वो इंसेक्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और जैसे ही वो डेड होगा तो और जितने भी वायरसेस अंदर और मल्टीप्लाई हुए हैं वो सारे जो है उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या एक तरीका है ये, जिससे क्या है सिर्फ किसको ख़त्म किया जा रहा है, जो भी आपका टारगेट, जो टारगेट इंसेक्ट है उसी को ख़त्म किया जा रहा है। तो यानी कि क्या बोल सकते हैं कि हम बायो इंसेक्टिसाइड में हम बैक्यूलो वायरसेस का यूज़ करते हैं। और फिर दूसरा है आपका और एक बात कि ये क्या है, ये सिर्फ आपका टारगेट जो होस्ट है उसी को ख़त्म करेगा और बाकी जो
बाकी जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है, जैसे खेत में आपके कोई और प्लांट है, मैमल्स आते हैं, बर्ड्स, फिश और भी, तो उन सभी के लिए क्या है, हार्मलेस, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसा ही हम पेस्टिसाइड चाहते हैं, ऐसा इंसेक्टिसाइड हम चाहते हैं कि सिर्फ वो उस इंसेक्ट को ही ख़त्म करे, बाकी को कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो बैक्टीरियोवायरस ऐसा है। फिर सेकेंड आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपकी बैक्टीरियल स्पीशीज़ है, ये बैसिलस थ्रुनजेंसिस, और ये भी जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे मॉथ है, फ्लाइज है, बीटर है, मस्किटो, एंट, एफिड्स, टर्माइट, बटरफ्लाई, इन सबको मारने के लिए ये यूज़ किया जाता है इस बैक्टीरिया का। और इसमें कैसा है कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि सम स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरिया कैन किल एनिमल्स एंड प्लांट पैरासाइट, निमेटोड, स्नेल, मतलब कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन ऐसे भी हैं इसके जो और भी ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियम इसमें क्या है, कैसे करता है, बैक्टीरियम कंटेन सम इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह की प्रोटीन होती है, क्रिस्टल प्रोटीन होती है, जो कि एक प्रोटीन है उसमें थूरियोसाइड, इसको हम बोलते हैं थूरियोसाइड प्रोटीन पाई जाती है। दीज प्रोटीन टॉक्सिन्स आर स्टमक पॉइजन्स एंड आर हाईली इंसेक्ट स्पेसिफिक। ये जो प्रोटीन है एक्चुअली में वो क्या है, वो प्रोटीन जो है वो टॉक्सिन है, टॉक्सिक इफेक्ट है उसका, मतलब पॉइजनस होती है वो, स्टमक में जो है वो पॉइजनस इफेक्ट शो करती है ये। और कैसी होती है, हाईली इंसेक्ट स्पेसिफिक, मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मारने के काम आती है, अपॉन इंजेशन बाय द इंसेक्ट लार्वा, ठीक है, जैसे इंसेक्ट लार्वे जो है किसी पत्ते पर है, फसल पे है, उसको खाएंगे तो जैसे ही वो अंदर जाएगी ये प्रोटीन क्या हो जाती है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, अंदर जाएगी और डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, उनकी बॉडी में जो अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम होंगे इंसेक्ट के, आपके लार्वे के, वो क्या करेंगे, इन प्रोटीन को ये एक्टिव फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है। आपने ध्यान देना, पहले इनएक्टिव होती है ये प्रोटीन, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम जो है उनको क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, और ये क्या करेंगे, दीज फ्रेगमेंट्स फॉर्म पोर्स इन द गट, उनकी जो इंटेस्टाइन है, उनका जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें, उसकी मेम्ब्रेन में ये पोर बना देते हैं, छेद कर देते हैं, और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्वेल कर जाएगा, और धीरे धीरे जो सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द इंसेक्ट लार्वे, और जो इंसेक्ट लार्वे हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। दीज टॉक्सिन्स आर नोन टू बी बायोडिग्रेडेबल एंड इनएक्टिव अगेंस्ट द मैमल एंड एनिमल, और ये क्या है, मैमल्स और एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर स्पीशीज ऐसी हैं, पर्टिकुलर इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या किया है, साइंटिस्ट हैव नाउ आइडेंटिफाइड द जीन्स फॉर इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन, दे हैव आइसोलेटेड दीज जीन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। अब क्या किया है साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इन बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन कैसे बन रही है, इन बैक्टीरिया के अंदर, कौन से बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रुनजेंसिस के अंदर कौन से ऐसे जीन्स हैं जो ये प्रोटीन बना रहे हैं, जो ये पॉइजनस प्रोटीन बना रहे हैं। तो उन्होंने ये पता लगाया और क्या किया, उन्होंने इन जीन्स को उन बैक्टीरिया से निकाल लिया, ठीक है, बैक्टीरिया से निकाल लिया और क्या कर दिया, उन जीन्स को प्लांट्स में डालना शुरू कर दिया, ठीक है। ये अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम क्या करते हैं, बाहर से जीन लाते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उन्होंने क्या किया कि वो जीन्स उस बैक्टीरिया से निकाले और उस और वेरियस क्रॉप में वो प्लांट्स में डाल दिए थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक ये प्रोसेस होता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है बहुत सारे ऐसी फसलें हैं ऐसी तैयार की हैं जिसमें आपको इस तरह ये वाली प्रोटीन बनाने वाले जीन्स मिल जाएंगे, जैसे आपका राइस की है, राइस है और कॉटन प्लांट है, टोमेटो है, सोयाबीन है, ऐसे बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए हैं उन्होंने। और इन सबको जो है, जैसे कॉटन है, कॉटन के अंदर जो है ऐसे जीन्स डाल दिए गए जो क्या करते हैं, ये पॉइजनस प्रोटीन बनाते हैं। तो इस कॉटन को हम क्या बोलेंगे, बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन इज़ वन एग्जाम्पल, ठीक है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का मतलब क्या है कि ऐसा कॉटन प्लांट जिसके अंदर क्या है, बैसिलस थ्रुनजेंसिस से जीन्स डाल दिए गए हैं, बीटी मीन्स बैसिलस थ्रुनजेंसिस। तो ये जो बीटी कॉटन है ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन गया, ठीक है ना। तो इस प्लांट को मतलब क्या है कि इस प्लांट पे जो भी इंसेक्ट है
जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स यूज़ किए गए हैं, बनाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं एज अ बायो इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो ये भी आपका बायोलॉजी इसमें कहाँ पर आता है कि कैसे हमने माइक्रोब्स को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये कर रहे हैं आप बीटी कॉटन वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो फिर उसके बाद आपका बायोफर्टिलाइजर्स आते हैं। बायोफर्टिलाइजर तो आपको पता है एक खाद होती है जो आप बाज़ार से लाते हैं, एनपीके यूरिया वगैरह, ठीक है। लेकिन वो कैसे, वो केमिकल्स हैं। यहाँ पर हम कैसे फर्टिलाइज़र की बात करेंगे जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के हैं। बायो मीन्स लिविंग, यहाँ पर हम ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जो कैसे होते हैं लिविंग, लिविंग एजेंट से मतलब कोई लिविंग उनका ओरिजिन रहा हो। जैसे मैन्योर है, मैन्योर आप बनाते हैं ना खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, घर का जो भी वेस्ट बचता है, क्रॉप का जो भी वेस्ट बचता है, उसको आप क्या करते हैं एक जगह ढेर लगाते जाते हैं और धीरे 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 विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जो है ह्यूमस बनना स्टार्ट हो जाता है और वो बिल्कुल डार्क काले रंग की हो जाती है। तो वो क्या है, वो मैन्योर है। वो कैसी हुई, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करी। कंपोस्ट, ये भी खाद जो घर में बनती है, जो आपके फार्म एनिमल होते हैं, गोबर, देखा है ना आपने जो घरों से गोबर निकलता है, उसको हम एक जगह वेस्ट उनका लगाते जाते हैं, जो भी छिलके वो सब उसमें डालते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो खाद बन जाती है। तो कंपोस्ट वही चीज़ है वो। फिर एक ग्रीन मैन्योर होती है, ग्रीन मैन्योर होती है आपके जो फलीदार पौधे होते हैं या कोई और पौधे होते हैं। तो जब आप खेतों में हल चलाते हैं तो उसके बाद जो भी इस तरह के ग्रीन प्लांट्स निकलते हैं वो सारे जो है वो भी क्या है, वो भी रिच करते हैं सॉइल को, सॉइल में वो फास्फोरस नाइट्रोजन ऐड करते हैं, तो वो ग्रीन मैन्योर है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल जो है सॉइल में ऐड करते हैं, उसकी फर्टिलिटी हम इंक्रीज करते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। यहाँ पर हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइज़र आपके मैन्योर्स जो है वो, ये आपकी थ्री टाइप्स की मैन्योर आ गई, ये भी आपका बायो फर्टिलाइज़र में आ जाएगा। फिर आता है आपका, और बायो फर्टिलाइज़र में आपका और भी बहुत सारे हैं इसके टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो वैसे ही सॉइल को रिच करते हैं। जैसे आपने एक देखा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा कि फलीदार पौधे हैं तो उसमें उस रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और सॉइल को देता है। तो वो भी क्या है, वो सॉइल को क्या कर रहा है, वो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो ऐसे और भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और भी होते हैं, एजोटोबैक्टर है, इन सब के आपने नाम याद करने हैं। फिर और भी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, सूडोमोनस, ये सारे, बैसिलस, पॉलीमिक्सा, ये क्या करते हैं, ये फॉस्फेट ऐड करते हैं सॉइल में। तो दीज ऑल आर बायो फर्टिलाइजर, नॉट केमिकल फर्टिलाइजर, दीज आर ऑल बायो फर्टिलाइजर। तो ये आपने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप देखें यहाँ पर और भी है आपका, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक हम देखें तो माइकोराइजा है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, ये करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोराइजा क्या होती है, माइकोराइजा जो है वो आपकी एसोसिएशन होती है फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में क्या लगी होती है, फंगस लगी होती है। तो ये फंगस क्या होती है, ये सॉइल से मिनरल लेती है, वाटर लेती है और प्लांट को देती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, उसको हेल्प कर रही है माइकोराइजा प्लांट को। तो ये भी एक फर्टिलाइजर का ही काम कर रही है माइकोराइजा, ये भी आपका बायो फर्टिलाइज़र में ही आएगा। फिर माइकोराइजा के टाइप होती है एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, ये आपने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर आप देखें तो ये चीज़ वेस्कुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। ये जैसे आपके एक्टोमाइकोराइजा जो है वो कैसी माइकोराइजा है, जो सिर्फ रूट्स के अभी आउटर सरफेस तक ही गई हैं, और एंडोमाइकोराइजा ऐसी माइकोराइजा होती है इसमें एक्चुअली फंगस जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हाइफे जिसको हम बोलते हैं, वो रूट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, अंदर अंदर घुसते जाते हैं, तो जो अंदर तक चले जाएंगे एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। तो एंडोमाइकोराइजा में ही आता आपका वेस्कुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, VAM, ठीक है। इसको करें, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।